एक क्वेश्चन देख लिया क्वालिटी इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशंस हैज़ टू डिफरेंट प्राइम नंबर इफ द सम ऑफ कोफिशंट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ प्राइम दिन द सम ऑफ द रूट्स इज हमें क्वालिटी इक्वेशन दिया हुआ है जिसके जो कोफिशियंट हैं वो इंटीजर्स हैं और जो रूट्स हैं वो टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं और जो सम है कोफिशियंट्स का इक्वेशन का वो प्राइम है तो सम ऑफ द रूट्स इज और हमें चार चॉइस दे रखी है तो हम पहले देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है तो गिवन अ क्वालिटी की क्वेश्चन क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी ये प्राइम है और अल्फा बीटा आर डिस्टिंक्ट प्राइम टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा ठीक है इसके जो रूट्स होंगे रूट्स क्या हैं रूट्स आर एल्फा बीटा ये नीचे ये लिखा हुआ है तो इसे सॉल्व करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन है और रूट दे रखे हैं मेरे पास एल्फा एंड बीटा तो ये इम्प्लाई करता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए तो पुटिंग अल्फा पुटिंग ये फर्स्ट है ये सेकंड है वैल्यू ऑफ बी एंड सी फ्राम फर्स्ट एंड सेकेंड एन ए प्लस बी प्लस सी जो हमें कंडीशन दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी का वैल्यू कितना है माइनस ए टाइम्स एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सी का वैल्यू कितना है यहाँ से ए अल्फा बीटा इसका फॉर्म चेंज कर लेते हैं अभी ओपन करते हैं इसको तो ए माइनस ए एल्फ़ा माइनस ए बीटा प्लस ए एल्फ़ा बीटा फिर ने क्लब कर दिया ए इंटू वन माइनस एल्फा माइनस ए बीटा इंटू वन माइनस एल्फ़ा फैक्टर्स कर लिए तो यह आ जाएगा ए माइनस ए बीटा इंटू वन माइनस एल्फ़ा और ये इम्प्लाई कर रहा है ए इंटू वन माइनस बीटा इंटू वन माइनस एल्फा और इसमें से हमने क्या किया इसे पॉजिटिव बना सकते हैं यहाँ से इसमें से माइनस साइन बाहर लिया इधर से माइनस साइन बाहर लिया तो ये टर्म्स कुछ ऐसे बन जाएंगे आपके पास ए इंटू एल्फा माइनस वन इंटू बीटा माइनस वन तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी यू दे रखा है इसका फॉर्म क्या आ गया ए इंटू एल्फ़ा माइनस वन इंटू बीटा माइनस वन एल्फ़ा बीटा आर द रूट्स अब अगर ये प्राइम है क्योंकि मैं तो गिवन है ना इट इज प्राइम इसका मतलब क्या हुआ टू ब्रैकेट्स इसके अंदर दो वैल्यूज टू वैल्यूज विल बी वन ठीक है यहां पे अगर ये हमारा प्राइम है तो इसका मतलब यहां पे दो वैल्यूज तो वन होंगी और एक पर्टिकुलर नंबर होगा प्राइम नंबर देयरफॉर कंसिडरिंग डिफरेंट केसेस अब हम केस मार लेते हैं इसके कौन कौन सी वैल्यूज़ बनो सकती हैं केस वन केस टू और केस थ्री केस वन में हमने क्या किया कि ए को वन ले लिया और एल्फा माइनस वन को वन ले लिया केस टू में ए को वन ले लिया और लेटर्स से बीटा माइनस वन को वन ले लिया और थर्ड केस में अगर हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस वन इज इक्वल टू वन और बीटा माइनस वन इज इक्वल टू वन तो ये थर्ड वाला केस में हम देखें रिगार्डिंग ए हम क्या कह सकते हैं तो यहाँ पे तो अल्फ़ा माइनस वन इज इक्वल टू वन तो यहाँ से तो अल्फा का वैल्यू टू आ जाएगा और बीटा माइनस वन इज इक्वल टू वन तो ये बीटा का वैल्यू टू आ जाएगा पर हमें गिवन क्या है कि अल्फा एंड बीटा डिस्टिंक्ट प्राइम तो हम ये वाला जो केस होगा ये डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज टू टू आ रही हैं तो हम पहले वाले वैल्यू केस देखें केस वन ए इज इक्वल टू वन एल्फा माइनस वन इज इक्वल टू वन देयर फोर बीटा माइनस वन क्या आएगा ये एक प्राइम वैल्यू आएगी तो बीटा माइनस वन प्राइम है और हमें गिवन क्या है बीटा इज आल्सो प्राइम सो एज़ बीटा इज आल्सो प्राइम एंड बीटा माइनस वन एंड बीटा ये दोनों क्या हैं कन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं देयर फोर इट इज ओनली पॉसिबल वैन करस्पोंडिंग नंबर्स आर क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमारे पास कैसी हैं प्राइम है वैन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर टू एंड थ्री दैट इज बीटा माइनस वन इज इक्वल टू टू और बीटा का वैल्यू क्या होगा थ्री होगा तो यहाँ से जो बीटा माइनस वन है इसका वैल्यू तो आ गया टू देर फोर बीटा का वैल्यू क्या आ गया थ्री तो अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू एल्फ़ा तो वन तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया टू तो अल्फा का वैल्यू तो आ गया टू अल्फा का वैल्यू आ गया हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ गया टू और बीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास थ्री ठीक है केस वन से सिमिलरली सेकेंड केस देख लेते हैं फ्रॉम केस टू तो केस टू से क्या आया ए का वैल्यू वन है बीटा माइनस वन इक्वल टू वन तो यहाँ से हमारे पास बीटा का वैल्यू क्या आ गया टू तो इसका मतलब एल्फा माइनस वन जो है तो अगर ये वैल्यू ए इक्वल टू वन है बीटा माइनस वन टू वन है तो इसका मतलब एल्फा माइनस वन जो होगा वो प्राइम होगा तो एल्फा माइनस वन भी प्राइम है और हमारे पास क्या दे रखा है एल्फा भी प्राइम है तो अगेन तो लिख लेते हैं यहां पे अगेन इन केस टू एल्फा एंड एल्फा माइनस वन आर प्राइम तो ओनली पॉसिबल वैन नंबर्स आर क्या क्या नंबर होंगे हमारे पास एल्फ़ा इज इक्वल टू थ्री और एल्फ़ा माइनस वन इज इक्वल टू टू तो हमारे पास एल्फा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से एल्फ़ा माइनस वन का वैल्यू तो आ गया थ्री तो एल्फा का वैल्यू एल्फा माइनस वन का वैल्यू आ गया टू तो एल्फा का वैल्यू कितना आ गया थ्री गिवन है यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे अगर बीटा का वैल्यू है टू और एल्फ़ा का वैल्यू है थ्री तो ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं दे आर फोर दे आर फोर फ्रॉम केस वन एंड टू एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टू प्लस थ्री या थ्री प्लस टू देट इज इक्वल टू फाइव सो चॉइस टू इज़ करेक्ट Choice 2 is correct.